नहीं, गुजरात का तो म्युनिसिपलिटी का चुनाव भी सांप्रदायिक करके जीतते रहे, इस बार उस तरह का नहीं है। और गुजरात तो मैं घुमा हूँ, इनके चुनाव में गया था खुद नरेंद्र मोदी जी के, मैं इनका प्रशंसक था। जब ये गुजरात में थे तो ये किसान परस थे, इन्होंने MSP लागू हुई चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को, लेकिन भैया कहते थे कि दिल्ली बहुत ख़राब जगह है, यहाँ के आदमी बदल जाता है। तो ये दिल्ली आके बदल गए, पता नहीं क्या हुआ है, और इनका वो किसान परस्ती ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरे तो जितने इनसे इनकाउंटर हुए किसानों के सिलसिले में, लड़ाई होके ही ख़त्म हुए। गुजरात मॉडल कुछ नहीं, आप घूम के देखिए, वही गरीबी है, उसी तरह के गांव हैं, उसी तरह का किसानों को कष्ट है, उसी तरह की बेरोजगारी है, स्कूल भी अच्छे नहीं हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, कहीं गुजरात में कोई स्वर्ग नहीं आया हुआ है। क्योंकि भारत में तो सुबह आप TV खोलिए तो 2000 बाबा प्रवचन देते नज़र आते हैं, कुछ नहीं हुआ। मुझे समझाओ आप, क्या 8 साल में आपने क्या देखा, मतलब आपका जीवन स्तर बेहतर हुआ, आप महंगाई कम हुई, आपकी रसोई में ज़्यादा चीज़ें आने लगी कि कम आ रही हैं। ये विश्व गुरु का एक अजीब नारा है, काहे के गुरु बनोगे, क्या तुम सुई बनाते नहीं हो, मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करते हो आज भी। सही कह रहे हैं आप, लोग इसमें अपोजिशन को सोचना चाहिए दूसरे में। लेकिन लोगों की एक तारीफ करूंगा, मैं तो बहुत राजनीति में 1967 से हूँ, 74 में मैं MLA हो गया था, तब भी 67 में कोई अपोजिशन नहीं था यूनाइटेड, लेकिन लोगों को हराना था तो 8 स्टेट में कांग्रेस हरा दी थी और दिल्ली में बाल बाल बची थी। फिर इंदिरा जी वो गरीबी हटाओ करके वापस लाई, वरना बिना अपोजिशन के हटा दी थी। तो जब तय कर लेंगे लोग तो फिर वो ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये इकट्ठा हो के जुलूस लेके आएंगे हमारे यहाँ। फिर भी मुझे लगता है कि चुनाव आने तक अपोजिशन में इतनी सद्बुद्धि आ जाएगी कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार हो। कोई नहीं, सीरियसली मैं तो सबसे मिला हूँ, कोई अपने को इस लायक नहीं समझता, चर्चा चलवा देते हैं। ममता जी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती जी। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से अगर अपने आप को प्रोजेक्ट चल गया, अगर कोई आगे बढ़ेगा तो शायद जिस गोल को अचीव करता बने दिल्ली का वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन कोई अपने को कर नहीं रहा। शरद पवार जी डिजर्विंग हैं, लेकिन वो खुद ही मना कर देते हैं कि मैं नहीं इस रेस में। नीतीश खुद मना करते हैं मैं इस रेस में नहीं। ये तो चूंकि झगड़ा कराना आपको उनमें, तो आप उनको मुझे भी बना सकते हो आप उम्मीदवार, किसको बुरा लगता है सुनना। अगर ये मलिक साहब जी, मैं शराबबंदी का कार्यकर्ता रहा जी, शराबबंदी के साथ जी जी हाँ, उनका मुझे मिलता रहता है, बिहार में मुलाकात हुई जी, जी। और अभी वापस राज्य सरकार ने हमारे को स्टडी करने के लिए वहाँ भेजा था, रिजल्ट ये देखा कि शराबबंदी के बाद पे राज्य की आय में पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रतिशत दर से वृद्धि हुई, रोड एक्सीडेंट्स कम हुए, महिलाओं के और वहाँ का सब कुछ ठीक ठीक लग रहा है, बिहार का इफेक्टिव तरीके से उन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया है। बिहार में, हाँ बिहार में करीब 4 लाख लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया, जो एक नेगेटिव पक्ष आता है। अब उन्होंने अपने स्ट्रेटजी बदल करके और जो ट्रैफिकर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन लोगों को पकड़ करके और कंट्रोल करने का प्रयास अधिक काफी नीतीश जी ने काफी सख्ती से लागू किया। इन सब रिजल्ट्स को देखने के बाद में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी राज्य अगर इसको लागू करता है तो उसको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा। हाँ तो आप जाओ ना, सब मुख्यमंत्रियों मुख्यमंत्री मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूँ, चूंकि मैंने तो छुई भी नहीं है। बारे में भी कुछ कहेंगे या राज्य सरकारों से? नहीं, मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि शराबबंदी करें। शराबबंदी तो अभी 100 लोग मर गए नकली शराब पी के गुजरात में, जो गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे थे, मर गए। इसके बाद वो अभी पुल टूट के मरे जिसका टेंडर भी नहीं दिया गया था,
बिना टेंडर के पुल दे दिया था। वहाँ का भी स्टडी किया हमने, वहाँ पे जो लूपहोल्स उन्होंने छोड़ दिए कि मेडिकल एडवाइस के ऊपर हमको शराब मिल सकती है, बताया कि 700 किसान 700 लोग मरे, 700 लोग मरे जिनके लिए अभी तक कोई जिसके बारे में कोई बातचीत भी नहीं। तो हर बार क्या अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या ऐसी बलि दे, ये तो आप बताएं, ये तो दुखद स्थिति है, नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई वादा करते हैं और माफ़ी मांग के कानूनों को वापस लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम MSP लागू करेंगे और उसमें एक कमेटी ऐसे आदमी की अध्यक्षता में बना देते हैं जो ये कानून जिसने ड्राफ्ट किए थे, तो किसान उसका बायकॉट कर रहे हैं, उस कमेटी से तो कुछ होगा नहीं है, जो चाहेंगे रिपोर्ट करा लेंगे। MSP में रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मोटी मोटी बात है। MSP 20-22 जिन्सों पर आप कर दीजिए और उसमें इकोनॉमिकली आपको कोई नुकसान नहीं है, किसान को एक तसल्ली हो जाएगी कि मेरा माल वो डिस्ट्रेस में नहीं बिकेगा, एक जो दाम तय होगा सरकार की तरफ से उस दाम पे बिक जाएगा, अगर नहीं बिकेगा बाजार में तो सरकार उसकी खरीद करेगी, उसको इफेक्टिवली लागू करिए। सर आप करीब 5 दशक से ज्यादा वक्त से जनप्रतिनिधि के रूप में, जी जी, कौन किसका सजेशन मान रहा है, मुझे क्यों गलत फहमी में आप डालते हो कि मैं सजेशन दूँ। सजेशन यही है कि मिलजुल के काम करना चाहिए, लड़ने का वक्त नहीं है, जो मोदी जी ने रशिया को कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, ये भी राजस्थान के लोगों की तरक्की के लिए इनका लड़ना ठीक नहीं है, मिल के काम, चुनाव आ रहा है उसमें देखा जाएगा जो होगा। आपका बात मिल के रहना चाहिए जी। सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी का है किसान, कर्ज मुक्ति, हाँ बिल्कुल एकदम मुक्त कर देना चाहिए कर्ज से। सर एक OBC आरक्षण का मामला चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? OBC आरक्षण सबसे ज्यादा, देखो OBC जो क्लासेस हैं उनके साथ बहुत दिनों से छल चल रहा है, गुजर भाई लोग जो उनके साथ हर दूसरे तीसरे साल समझौता होता, फिर बातें वहीं की वहीं आ जाती हैं। एक तो OBC में जो आइडेंटिफाइड क्लासेस हैं उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए कि इसको भी जोड़ देंगे, रिटायर्ड लोगों को भी जोड़ देंगे। OBC मीन्स OBC जो सर्टिफाइड OBC हैं उनका कोटा ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। दूसरे अगर कोई समझौता करती है सरकार, जैसे गुजरों से करते हैं, समझौता कर लेंगे फिर लागू नहीं करेंगे। अभी वो विजय बैसला का परसों में बयान सुन रहा था, उसने कहा कुछ भी लागू नहीं किया जो इनसे समझौता किया था। और OBC में फिर दोहराता हूँ मैं आपके जरिए कि इसमें किसी और कैटेगरी का दखल नहीं होना चाहिए, सिर्फ OBC जो लोग हैं उन्हीं को उसमें मिलना चाहिए, और को आप जनरल में से दे दें। एक सर इनका जो कहना है ये है कि राजस्थान में OBC आरक्षण को लेके 31/4/2018 का एक सर्कुलेशन था, तो अभी उसकी विसंगतियों को दूर करने को लेके CM को ज्ञापन भी दिया गया है और उनको बताया गया है। तो OBC विसंगति ये है कि 21% आरक्षण OBC में अभी मिल रहा है, उसमें से 12% आरक्षण वो तो करना ही नहीं चाहिए, पूर्व सैनिकों का उनका अलग 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 होना, वही तो मैंने कहा कि उसमें किसी का दखल या हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। और मुझे याद है ये आज़ादी के पहले जोधपुर स्टेट बैंकरप्ट हो गई थी, चूँकि वहाँ खेती नहीं कर रहे थे लोग, तो अंग्रेज जो रेजिडेंट कमिश्नर होता था उसने राजा से पूछा कि भाई तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं, तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ खेती नहीं करते लोग, मेरी ये मदद कर सकते हैं कि पाली और इन जिलों से जो खेती करते हैं लोग जिसमें मेजॉरिटी जाट थे, इनको आप वो जाट थे दूसरे वहाँ पाली की एक और जाति है उसी तरह की, इनको बुला के आप यहाँ ले आएँ बाड़मेर इसमें जैसलमेर के आसपास और ये खेती करें तो मेरी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। तो रेजिडेंट कमिश्नर ने वो लोग बुलाए और समझौता करा दिया स्टेट के साथ, लेकिन उसके बाद भी फ्यूडल लोग जो तय हुआ था कि कितना हिस्सा वो देंगे किसान सरकार को, उसके बाद भी उसका ऊँट खोल ले जाते थे, उसकी फसल उठा के ले जाते थे। बहुत सारे मुकदमे हुए जिसमें चौधरी रामदान जी थे, गंगाराम जी थे, ये लोग उनके मुकदमे लड़ते थे, नाथुराम जी लड़ते थे, लेकिन उनको लागू नहीं किया ठीक से। जो स्टेट अपने किसान के साथ अन्याय करेगी वो स्टेट चल ही नहीं सकती है। सर एक बार
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।